अब ये हमारी बाकी वो परिवार के कौन करेगा। माँ का रूप पत्नी ले लेती है, हाँ, वृद्धावस्था में और बीमार होने की स्थिति। हाँ, अरे आप संग के थे और मैं आर पार करता था, योगी जी का तो भी करता। कोई बात नहीं, वो आपका विचार है, मैं आपका विचार नहीं बदल सकता हूँ। योगी जी से मुलाकात तो आपकी जरूरी है। नहीं नहीं, नहीं। क्यों? बड़ी व्यस्तता है उनकी। व्यस्तता है तो ये अभी तो एक काम है कि आप उनके सबसे, मैं एक व्यक्ति हूँ ना, पूरा प्रदेश उनका है। यह संदेश तो जाना चाहिए ना कि एक बार हालचाल आपकी ले लें। आपकी भी तो इच्छा होगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, यह नहीं है। नहीं, वह जो कर रहे हैं वही करें। नमस्ते सदा वत्सले, भूमि कैसे कैसे उसको करें? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम। समालोचक बनना है, आलोचक हिम्मत बनिए। आलोचक बनिएगा तो निंदक होकर रह जाइएगा। समालोचक। अच्छा, योगी जी को किस रूप में अब आगे देखना चाहते हैं आप? अब बस अगला प्रधानमंत्री। अच्छा अच्छा, जेल में थे तो आप मिलने गए थे? अच्छा, मैं रोज जाता था। रोज जाते थे जेल? हाँ, में हाँ। तो क्या जाते थे, खाली हाथ जाते थे? नहीं, नहीं। वो आंवला कैंडी लिया जाता था। जिनके वजह से हमें पिता का अभाव नहीं खटका, नित्य प्रति फोन से हमें ऊर्जीकृत करते रहते थे। अब कुछ महीनों से फोन आना बंद हो गया, पता लगा बीमार हैं, और ऊर्जीकृत ऐसे करते रहते थे हमेशा सकारात्मक सोच। यद्यपि योग शिक्षक रहे हैं, 90 साल की उम्र लगभग पूरी हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, बहुत से मामलों में मैं संघ का विरोध करता था। योगी जी के दादा गुरु के साथ थे, योगी जी के गुरु जी के साथ रहे, अब योगी जी के साथ भी हैं। यदा कदा वो हालचाल भी ले लेते हैं। हम हैं इस समय उपेंद्र पाठक जी के साथ, जो योग शिक्षक रहे हैं और गोरखपुर में हम शिक्षक रहा नहीं। शिक्षक तो सदैव होता है, शिक्षक सदैव रहता है जी। शिक्षक तो भी हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटर इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, क्योंकि करके दिखा नहीं सकता। शिक्षक तो भी अच्छा दिखा नहीं सकते, लेकिन बता सकते। हाँ हाँ, मतलब थ्योरी है, प्रैक्टिकल अब नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल नहीं कर पाता है जी। लेटे लेटे सोए सोए प्राणायाम करता हूँ, अभी प्राणायाम थोड़ा बहुत करता हूँ, ज़्यादा नहीं। योगी जी एक बार फ़ोन किए थे आपको और कुछ बच्चों को बुलाए थे, क्या मामला था? वह योगी जी छोटे बच्चों से बहुत स्नेह रखते हैं। अच्छा, तो हमको फ़ोन किए कि पाठक जी, मतलब मुख्यमंत्री थे तब किए थे ना? हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर से जाना था। हाँ, कि छोटे 5 साल से 8 साल के बीच की कितने बच्चे होंगे आपके मोहल्ले में? अच्छा, 5 साल से 8 साल के बीच। हाँ, हाँ। तो हमने कहा कि वो पार्क के बगल से जहाँ सड़क से आते हैं, हाँ, वहाँ से पॉलीटेक्निक के बीच में हमारे घर के बीच में 7 बच्चे हैं। हमको सबके घर का वो मालूम था। हाँ, तो कहना थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो फिर फोन आया उन बल्लू का, हाँ, कि महाराज जी आ रहे हैं, हाँ, और बच्चों को पॉलीटेक्निक पर बुला लीजिए, हाँ, चॉकलेट खिलाएंगे, हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर से घुमाना था, लेकिन एक बच्चा लगा रोने, हाँ, छोटा बच्चा था जी, हाँ जी। तो वो कही कि हम भी चले महाराज जी का दर्शन कर लेंगे। चल जी, कहाँ सब रोकेंगे हम, तब चला हम बाटी ने कहा क्यों रोकी। तो वो छोटा बच्चा रोने लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई यही स्टार्ट हुआ, तो चॉकलेट खिलाया वहाँ कहीं फिर। आप तो इनको बचपन से ही जानते हैं, जब इनके गुरुजी के साथ आप थे, बैठना उठना होता था आप लोग। हाँ हाँ, बातचीत बचपन से नहीं, जब ये उत्तराखंड से आए। हाँ, तभी ना, तब से उत्तराखंड में जब रहे थे, ग्रेजुएशन करके आए थे। हाँ हाँ जी, तब से आप। हाँ हाँ, एक बार कुछ लोग निकाले भी गए थे भाजपा से। मैं भी निकाला गया था। अच्छा, क्या कारण था वह? कि महाराज जी के साथ हम लोग राधा मोहन को, हाँ, बगावत करके हिंदू महासभा का कैसे जिताए थे। अच्छा, विधायक बना दिए थे आप लोग? हाँ 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 हाँ, मैं महाराज जी का आज भी सेवक हूँ।
जी इस हाल में राधामोहन जीते और शिवप्रताप जी हमसे बाद में शिवप्रताप जी कहे कि पाठक जी हमसे क्या गलती अच्छा जो राज्यपाल हैं इस समय हाँ जी अब भी हमसे बड़े आदर शिवप्रताप शुक्ला हाँ अच्छा वो हार गए हाँ और योगी जी और आप लोगों के कैंडिडेट राधामोहन अग्रवाल जीत गए हाँ। तो उस समय आप लोग पार्टी से निकाल दिए गए थे हाँ हाँ कई लोग थे 14 लोग निकाले गए थे अच्छा बाद में केशवनाथ त्रिपाठी जी ने सबको वापस ले लिया 14 लोगों में हाँ 14 लोगों में आपकी धर्म पत्नी हैं गुरु माते हाँ। काफ़ी सेवा कर रही हैं हाँ, कर रही हैं कई थिएटर भी आपको लगा है सोडियम आपका ख़त्म हो गया था तो काफ़ी हौसला है ना पूरा अरे हमारी भी उम्र 80 साल हो गए जी जी इस इनको अच्छा जो मातृशक्ति हैं उन्हें किस 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 रूप में आप देखते हैं तीन रूप में अच्छा कन्या के रूप में फिर गृहिणी के रूप में और इस उम्र में माँ के रूप में अच्छा हाँ मतलब कन्या के रूप में हाँ फिर पत्नी के रूप में गृहिणी के रूप हाँ में, और इस उम्र में जिस उम्र में आप हैं हाँ उसमें अब ये हमारी बाकी हो परिवार में कौन करेगा माँ का रूप पत्नी ले लेती है हाँ वृद्धावस्था हाँ। में और बीमार होने की स्थिति हाँ। आप बहुत की हैं पहले भी हम दोस्तों यहाँ आते रहते हैं आते रहते थे रुकते रहते थे अच्छा हम बहुत विरोध करते थे अभी भी करते हैं मुद्दों के आधार पर हो सकता है हमारी प्रतिक्रिया भी कहीं कहीं हो संभव है मनुष्य हूँ तो आप कभी नाराज नहीं होते थे मैं मोदी जी की ऐसी की तैसी करता था नाराज नहीं होता हूँ अरे आप संघ के थे और मैं आर पार करता था योगी जी का भी करता कोई बात नहीं वो आपका विचार है मैं आपका विचार नहीं बदल सकता हूँ कभी कभी तीखी बात भी होती थी आपसे हाँ, हाँ। लेकिन मैं तीखा नहीं बोलता हूँ आप तो नहीं बोले ना? हम कभी? तो कभी कभी कुछ मैं केवल यह कहता था कि आपको चारण नहीं बनना है जी कभी बनना है जी निंदक भी नहीं बनना है जी समालोचक बनना है आलोचक हिम्मत बनिए आलोचक बनिएगा तो निंदक होकर रह जाइएगा समालोचक शायद आपसे ही हमने शायद क्या है? मैं आश्वस्त हूँ और पूरी विनम्रता के साथ यह बात कहूँगा कि समालोचक शब्द आपसे मुझे मिला प्रैक्टिकल रूप से मिला थ्योरिकल केवल नहीं थ्योरी में तो ही है प्रैक्टिकल आपसे मिला कि समालोचक गोरख बाबू कहे हमसे जी कि दुबे जी में आपके नाते बहुत बदलाव आ गया है गोरख बाबू जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल जो यहाँ का सबसे शानदार स्कूल है प्रतिष्ठापरक शिक्षण संस्थान है उसके प्रबंधक हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं दोस्त और आप ही के नाते दोस्त नहीं हैं उस मैं उस अस्पताल का नहीं हूँ कि उनको दोस्त बना सकूं यह तो आपकी महानता हाँ, है जो ऐसा कर लेकिन वो स्नेह मेरे प्रति स्नेह भाव रहता है उनका हम मैं आया हूँ तो एक संस्कृत का कौन सा आप बोले हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम जो शुभ या अशुभ कर्म किया गया होगा वो तो भोगना ही पड़ता है तो आपने कौन सा ऐसा आप तो जब से हम आपके सानिध्य में हैं तब से मुझे भी नहीं याद है कि मैंने कभी कोई ऐसा कर्म किया हो जी जिससे मुझे समाज में अपमानित होना पाए कभी एक पैसा किसी का लिया नहीं बेईमानी नहीं किया चोरी नहीं किया जी हाँ ये आप ये अपने नाते नहीं प्रभु की कृपा थी जी हमें हमारे में क्या देखा आपने कि हमारा नंबर तो आप 6 महीना ढूंढते रह गए फिर कैसे कैसे माता जी देखती कि हमारा वीडियो निर्भीकता पूर्वक आप अपनी भावना व्यक्त करते थे योगी जी आपके घर भी आए हैं अनेक बार एक बार ऊपर नहीं आए हैं नीचे आए हैं अनेक बार मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता था फोन करते थे पाठक जी आपके यहाँ बैठेंगे ये कार्यक्रम आते थे बैठते थे तो योगी जी को तो पता है नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, नहीं है ना साज नहीं, नहीं तो पता उनको हो जाए आप फोन नहीं किए होते जी तो आपको भी नहीं पता होता तो योगी जी से मुलाकात तो आपकी ज़रूरी है नहीं नहीं क्यों बड़ी व्यस्तता है उनकी
व्यस्तता है, तो ये अभी तो एक काम है कि आप उनके सबसे, मैं एक व्यक्ति हूँ ना, पूरा प्रदेश उनका है। अब आप कहेंगे कि वह तो पिताजी में भी नहीं गए थे, तो हमको देखने क्यों आएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं, ये हमारा भाव नहीं है। हाँ, वो उनका भाव है कि हम एक को देखने देखें कि हमारे इतने माता पिता हैं, इतना बड़ा परिवार है हमारा। यह तो आपकी महानता है जो ऐसे कह रहे हैं उनके लिए। यह बात सही है कि बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और अब प्रदेश ही नहीं, अब तो भारत, पूरे भारत में उनकी डिमांड रहती है। कार्यक्रम वहाँ होता है तो आता है हमारे यहाँ, कार्ड आता रहता है। अच्छा अच्छा, योगी जी को किस रूप में अब आगे देखना चाहते हैं आप? अब बस अगला प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री जी, कोई उनके खिलाफ बोलता है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता जी। एक संत हैं जी, संत के नाते हम जी बहुत इज्जत करते हैं जी। जी वो किसके लिए चोरी बेईमानी करेंगे? जो कुछ करते हैं राष्ट्र के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, प्रदेश के लिए करते हैं जी। अच्छा, आप एक बार कहे थे कि वो छोड़ेंगे किसी को नहीं, इसमें क्या बात, इसमें रहस्य क्या है? कि वो दिमाग में रखे रहते हैं। अच्छा, कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन डकैत है, कौन अपराधी है, ये कितने दिन तक दिमाग में रखे रहते हैं योगी जी? जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता है। अच्छा, मतलब जिसको दिमाग में बैठा लेंगे उसको निकालेंगे नहीं? नहीं नहीं, और करेंगे करेंगे। अच्छा, न्याय अच्छा। अन्याय नहीं, तो किसी को छोड़ेंगे नहीं? नहीं, जो गलत करेगा उसको नहीं किसी को। तो अभी क्या आप इंतजार कर रहे हैं पावरफुल और हो जाए, तो प्रधानमंत्री हो जाए? अरे उनके पिताजी भविष्यवाणी बोल के गए थे जी, प्रधान देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जी। हाँ, और ये अभी तो आप भी तो कह रहे हैं, आप भी तो यह संत वचन है, और हो ये सत्य, यह सपना मैं कहूँ बिचारी, हो ये गए, हो ये सत्य गए बिचारी, यह सपना मैं कहूँ बिचारी, भले मैं रहूँ न रहूँ जी, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यह संदेश तो जाना चाहिए ना कि एक बार हालचाल आपकी ले लें, आपकी भी तो इच्छा होगी कि? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं, यह नहीं है, नहीं, वह जो कर रहे हैं वही करें। दोस्तों, एक ऐसे आदित्यनाथ योगी के ऐसे इसको समर्थन और उनको स्नेह देने की पराकाष्ठा कहेंगे, इसको प्यार देने की, स्नेह शब्द हो सकता है थोड़ा उनके उनके पीठाधीश्वर और पीठाधीश्वर उसके, उसके आगे थोड़ा सा बौना लगे यार, लेकिन आपके जो प्रेम की पराकाष्ठा है उनके साथ, यह तो उनकी कर्तव्य परायणता देखकर। अच्छा जी, अच्छा, जेल में थे तो आप मिलने गए थे? मैं रोज जाता था। रोज जाते थे जेल में? तो क्या जाते थे, खाली हाथ जाते थे? नहीं नहीं, वो आंवला कैंडी ले जाता था। अच्छा, पतंजलि का? हाँ, आंवला कैंडी ले जाता था। अच्छा, तो उनको दे देते? हाँ हाँ, लेते खाते थे कि बांट देते थे? बांटते थे, अकेले खाते हैं, अकेले अपने भी लेते थे ना? हाँ हाँ, अकेले का प्रसाद हो जाएगा, आप छू देंगे जी, देते थे। दोस्तों, यह है गोरखपुर, गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी, उनके गुरुजी, क्या नाम था उनका, नाम लेते हैं कि नहीं? नहीं, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के साथ तो आप लोगों का बैठना उठना बहुत बहुत लगभग रोज ही हो जाता था कुछ ऐसे। अच्छा, मुझे वह योगराज कहते थे। अच्छा, योगराज कहते हैं, और मुझसे खाली योग की चर्चा करते थे। अच्छा, उनका कोई संस्मरण याद है आपको? कोई संस्मरण तो बहुत होंगे, कोई छोटे मोटे संस्मरण जिससे सीख मिली हो, या लगा हो कि यह व्यक्ति वो सबकी मदद करते थे। अच्छा, जो भी वहाँ जाता था मदद करते थे, भेदभाव नहीं था? नहीं। अच्छा, उनके दादा के गुरु के साथ भी आप रहे? नहीं, नहीं, मतलब बचपन में बचपन में देखा था, दर्शन किया था। अच्छा, लेकिन उनके साथ है जी, लेकिन इनके गुरु जी के साथ? हाँ, इनके गुरु तो मुझे बहुत स्नेह देते थे, गोरख बाबू के साथ। वैसे 100 साल शतक लगाएंगे आप, जितने दिन जिए ठीक से जिए जी,
ठीक ही है। डर नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अवश्य भावी है, तो उससे क्या डर है? हाँ। अंतिम इच्छा क्या, जैसे कुछ अगर मन में होगी यह देख ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। यही कहता हूँ जी कि मैं, मेरे प्रति किसी के मन में दुर्भावना हो तो क्षमा कर दें, और मेरे मन में तो किसी के प्रति कुछ है ही नहीं ऐसा। आप प्रार्थना करते थे, वह कोई प्रार्थना याद है आपको? अनेक प्रार्थनाएं हैं, सब सब भूल गई। दो लाइन अच्छा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, कैसे कैसे उसको करते? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमि तो रहते पतत्वे सकायो, नमस्ते नमस्ते, ध्वज प्रणाम। तो दोस्तों, आप भगवान से प्रार्थना करिए पाठक जी जल्दी स्वस्थ हो जाए, और हमें जिस तरह की ऊर्जा आपने दिया है, जो कुछ भी आशीर्वाद लेते जाइए। ओम विश्वान देव सवितुर दुर्ता निपाशु यद भद्रम तन्यासु, लक्ष्मी का वस्तु पार जाता सुरा धन्वंतरि चंद्रमा, धेनु काम धा सुरेश्वर गजोरम्भाचर देवांगना, अश्व सप्तमुख विशंभर धनु शंखो मृतम चामुद रत्नानीति चतुर्दश, प्रतिदिन कुर्वन्ति तो मंगलम। दोस्तों, विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ आपसे। सादर प्रणाम।